नमस्कार, मैं कमल कौशिक, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश से, जहां पर आज फिर से हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन करने के लिए पूरी प्लानिंग बना ली है। मस्जिद विवाद मामले को लेकर लगातार हम देख पा रहे हैं कहीं निकलकर बातें सामने आई हैं, लेकिन हिंदू संगठनों से जुड़े लोग आक्रोशित हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज संजौली में धारा 163 लागू रहेगी, सामान्य जनजीवन पूरी तरह से सुचारू रह सकता है, लेकिन कुछ पाबंदियां रहेंगी। 5 लोगों को इकट्ठे होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा स्कूल कॉलेज, सरकारी कॉलेज हो या बाजार हो, नियमित रूप से वो खुले रहेंगे। शिमला के एसपी संजीव कुमार का बयान है संजौली में आज होने वाले विरोध प्रदर्शन पर। उनका यह बयान था कि हमने बीएनएसएस के 163 के तहत प्रक्रिया लागू की है, एहतियात के तौर पर पुलिस की तैनाती की गई है, हम ड्रोन से निगरानी भी कर रहे हैं, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए जाएंगे। हिमाचल के लोग शांतिप्रिय लोग हैं, हितधारकों ने भी ये कहा है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहेगा, हमने सभी एहतियाती कदम उठाए, ये भी एसपी की तरफ से कहा गया। लेकिन एहतियातन तौर पे जो है वो पुलिस का पर्याप्त बंदोबस्त किया गया है, और हमने जो है पिछले शाम भी ये बताया था कि प्रोटेस्ट के लिए तो अभी कोई गुंजाइश है नहीं, क्योंकि जितना भी इस संदर्भ में प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए था वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली है। और अभी हम ड्रोन से भी सर्विलेंस कर रहे हैं, अगर कोई लॉ को ब्रीच करता है तो वी विल कलेक्ट एडिक्वेट एविडेंस अगेंस्ट सच पीपल, ऐसे लोगों के खिलाफ पर्याप्त एविडेंस हम कलेक्ट करेंगे। और साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जो स्वभाव है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले लोगों का हमारा स्वभाव है और हिमाचल में रहने वाले लोगों का स्वभाव है, वी आर पीसफुल पीपल, पीस लविंग पीपल, और किसी भी सोसाइटी का जो फैब्रिक होता है वो पीस पे ही रेस्ट करता है। तो मुझे लगता है कि कुल मिला के जो परिस्थिति है वो ये है कि अगर कुछ लोग इकट्ठा भी होते तो इट विल बी अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन। और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनसे भी हमारी बात पहले हुई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि हमारा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो पीसफुल ही रहेगा। प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे ब्यूरो शिमला से, उनसे जानकारी हासिल करते हैं। प्रदीप, इस मामले के बारे में तो हम पहले से जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से बहुत कम शब्दों में दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस मामले के बारे में नहीं जानते, उनकी जानकारी के लिए संक्षेप में बताइए, मामला कहां से शुरू हुआ और अब आगे क्या हो सकता है? आज भी प्रोटेस्ट को लेकर जानकारी निकलकर सामने आई है, हालांकि पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहेगा ये भी दावा किया गया है, लेकिन फिर भी ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है इसका अंजाम क्या हो सकता है? बिल्कुल, देखिए संजौली में जो मस्जिद से जुड़ा मामला है, काफी दिनों से पहले से ही ये सोशल मीडिया में सुर्खियों में था, लेकिन शिमला में एक मामूली सा विवाद हो जाता है दोनों कम्युनिटी के लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में झगड़ा हो जाता है और फिर ये आरोप लगाया जाता है कि वो छुपने के लिए उस मस्जिद की तरफ जाते हैं, उससे ये सारा विवाद उत्पन्न हुआ है। और फिर जो संजौली में मस्जिद है इसकी बातें सामने ये आई कि ये अवैध रूप से बनाई गई है और इसके लिए परमिशन जो एनओसी लेने की जरूरत थी वो नहीं ली गई है, तो फिर ये कहीं ना कहीं इसने पूरा सांप्रदायिक रंग अब ले लिया है और इसमें हिंदू संगठन भी कूद पड़े हैं, जो वहां पर लोकल संजौली में हिंदू समाज के लोग हैं वो भी इसको लेकर आक्रोशित है कि यहाँ पर जो लोकल मुस्लिम रह रहे हैं उनसे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहरी प्रदेशों से बिना वेरिफिकेशन के, बिना डॉक्यूमेंट्स के यहाँ पर कुछ विशेष धर्म के लोग पहुंच रहे हैं, उनके ऊपर सबकी नजरें थी और उससे ये सारा विवाद उपजा है, अब ये ज्यादा बड़ा विवाद बन गया है। तो उसको लेकर पहले भी एक दौर का प्रदर्शन हो चुका है और अब फिर से आज प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया है, पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, इस तरह की बातें कही गई हैं। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की, धरना प्रदर्शन की, अनशन की, कोई नारेबाजी की परमिशन नहीं दी है, लेकिन फिर भी देखने वाली बात होगी कि इस प्रतिबंध के बावजूद भी क्या लोग यहाँ पहुंचते हैं। सुबह से ही भारी पुलिस बल यहाँ पर लगाया गया है और जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 है, जिसे पहले 144 के नाम से जाना जाता था, वो धारा 163 यहाँ पर लगा दी गई है और किसी भी प्रकार की 5 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और ना कोई नारेबाजी, कोई स्लोगन, कोई वॉल राइटिंग कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया है, क्यूआरटी भी यहाँ पर लगाई गई है, 6 बटालियनों के जवान यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, जो जो एक सामाजिक सौहार्द है वो ना बिगड़े,
इस तरह के व्यवस्था भी की गई है। तो देखना यह होगा कि जो 11 बजे का आह्वान किया गया है क्या उस वक्त लोग इकट्ठा होते हैं। हालांकि अभी तक की जो जानकारी है लोग इकट्ठा नहीं हुए हैं यहाँ पर प्रदर्शन के लिए, लेकिन फिर भी क्या ऐसा माहौल बनता है प्रदर्शन का, ये अब देखने वाली बात होगी। जी धन्यवाद जानकारी देने के लिए इस खबर पर आपका, और आपसे हम जुड़ते रहेंगे, जानकारी हासिल करते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए हरियाणा की बात करेंगे। हरियाणा में लगातार नामांकन का दौर जारी है। बीजेपी के कई प्रत्याशी आज भी नामांकन दाखिल करने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद अपना नामांकन दाखिल करने के बाद अब अपनी पार्टी के दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन में मौजूद रहेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। बादरी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं ओपी धनखड़, आज नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां मौजूद रहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि एक जनसभा भी है, उसको भी संबोधित किया जाएगा। संतोष चौहान सारवान भी नामांकन दाखिल करेंगे, मुलाना से नामांकन दाखिल होगा उनकी तरफ से। कलानौर विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार हैं रेनू डाबला, उनका भी आज नामांकन का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पहुंचने की जानकारी प्राप्त हुई है। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। जितेंद्र, तीन नॉमिनेशन आज हैं मुख्य तौर पर जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचने वाले हैं, इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों के बारे में राजनीतिक इतिहास इनका क्या है वो भी हम आपसे जानना चाहते हैं, और इन तीनों उम्मीदवारों के लिए ये जो चुनाव है ये कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में इन उम्मीदवारों के लिए प्रचार भी करने वाले हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेता भी, स्टार प्रचारक भी बीजेपी के आने वाले हैं। तो ये जो चुनाव है इन तीन विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह का देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल कमल, अपने आप में जो नॉमिनेशन को लेकर के महत्वपूर्ण दिन ये कह सकते हैं, क्योंकि आज और कल ही केवल नॉमिनेशन का जो दिन है वो बाकी रह गया है, जबकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक पूरी सूची भी जारी नहीं की गई है। हालांकि इसमें तीन उम्मीदवारों का नाम जो है अभी भाजपा की तरफ से भी ऐलान किया जाना है, 87 उम्मीदवार जो है भाजपा की तरफ से घोषित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कल अपना नामांकन भरा, उसके बाद भी वो हमने देखा था कि जो प्रत्याशी हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनके नामांकन के अंदर पहुंचते हुए नजर आए थे और आज भी यही सिलसिला जारी रहने वाला है। आपने ठीक कहा, बादली, मुलाना, कलानौर के अंदर मुख्यमंत्री का जो आज दौरा है वो खासतौर से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके नामांकन को लेकर के रहने वाला है। बादली में हमने देखा कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के जो राष्ट्रीय सचिव हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्हीं पर भाजपा की तरफ से एक बार फिर दाव खेला गया है। इससे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले के चुनाव में कुलदीप वत्स यहां से जीत करके आए थे। ऐसी स्थिति में अभी ये देखना है कि मौजूदा हालात में किस तरीके के मुद्दों को लेकर के ओम प्रकाश धनखड़ आगे चलते हैं। हालांकि इससे पहले जो जिस तरीके से साल 2014 से लेकर के 19 में मंत्री के तौर पर वो थे और कृषि मंत्री के तौर पर होते हुए ये दावा उनकी तरफ से किया जाता था कि बेहतर तरीके से विकास कार्य उनकी तरफ से बादली क्षेत्र के लिए किए गए हैं, बड़ी तादाद में जो पैसा है वो लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जीत का परचम नहीं लहरा पाए थे। इस बार अब ये देखना है कि किस तरीके से लोगों के बीच में वो जाएंगे और क्या कुछ खामियां कमियां रह गई थी जिन्हें दूर करने का काम जो है लोगों को विश्वास जो है वो इस बात को लेकर के दिलाएंगे। इसी के साथ साथ हम मुलाना की बात करते हैं, संतोष सारवान जो है यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, इससे पहले भी विधायक रही हैं, एक बार फिर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है और ये उन सुधारक विधायकों में थे जो मनोहर सरकार वन के समय कुछ विधायक एकत्रित होकर के जो है इस बात का बिगुल फूंकते नजर आए थे कि जो है उनकी सुनवाई जो है वो ठीक प्रकार से नहीं की जा रही है। इसके बाद जो है अब एक बार दोबारा उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ साथ रेनू डाबला को लेकर के जो आपने बात की, वहां भी जो है ये देखना होगा कि कांग्रेस अभी सत्ता पर काबिज है। मुलाना से हमने देखा वरुण मुलाना जो है वो सांसद बन गए थे, उसके बाद ये सीट जो है इससे इस्तीफा देने का काम उनकी तरफ से किया गया था। अब वहां किस तरीके का चुनावी समीकरण है ये देखना होगा और कलानौर में भी इसी तरीके से चुनावी समीकरणों को देखना होगा, क्योंकि ये तमाम अहम सीट है और कांग्रेस जो है इनमें से अधिकांश सीटों के ऊपर काबिज है फिलहाल विधायक के तौर पर। तो ये देखना है मुकाबला जो खासतौर से रहने वाला है उस मुकाबले में इस बार किस तरीके की कड़ी टक्कर जो है खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में रहने वाली है। तो इस प्रकार का ये दौरा जो है वो इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी
आज अपना नामांकन गढ़ी सांपला किलोई से करते हुए नजर आएंगे। जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ, आपसे हम जुड़ेंगे और एक और खबर पर आपसे बातचीत होगी। इस खबर के अलावा बीजेपी के कई और प्रत्याशियों का भी आज नामांकन। आज बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज नामांकन दाखिल करेंगे, अंबाला कैंट से नॉमिनेशन दाखिल करेंगे अपना, कालावाली से राजेंद्र नामांकन दाखिल करेंगे, लोहारू से जेपी दलाल नामांकन भरेंगे कलानौर से, जैसे कि हमने अभी भी बताया आपको, रेणु डाबला पर्चा भरेंगे अपना बहादुरगढ़ से, दिनेश कौशिक नामांकन दाखिल करेंगे झज्जर से, कप्तान दुर्धाना नामांकन दाखिल करेंगे बेरे से, संजय कबलाना नामांकन दाखिल करेंगे अटेले से, आरती राव और भी कई नाम हैं। और जैसे कि जितेंद्र बता रहे थे, कांग्रेस के भी कई प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे, उस खबर के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इन बीजेपी प्रत्याशियों के बारे में भी एक एक करके बहुत संक्षेप में जान लेते हैं। जितेंद्र, आज जो बीजेपी के प्रत्याशी जिनके नाम मैंने लिए, उसमें खासतौर पर अनिल विज एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नेता हरियाणा का, आरती राव अपनी राजनीतिक पारी के अहम मोड़ पर हैं, कामयाबी मिलती है नहीं मिलती है वो तो जनता तय करेगी, जनता को मोहर लगानी है, लेकिन आज उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है नामांकन दाखिल करने का। इन सीटों के बारे में, उन चेहरों के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में आपसे मैं जानना चाहता हूँ। ये जो इनकी राजनीतिक पारी है, चाहे सीनियर लीडर अनिल विज की बात करें, आरती राव की बात करें, या कुछ और नेता है जो पार्टी छोड़कर भी बीजेपी में शामिल हुए और कुछ को टिकट भी मिला, क्या लगता है आपको ये 2024 का इलेक्शन इनके लिए कितना ज़्यादा अहम आप मानते हैं? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अनिल विज एक सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, गृहमंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, और अगर हम बात करें नायब सैनी सरकार के अंदर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो लोकप्रियता है वो कम नहीं होते हुए नजर आई थी। इसी तरीके से आरती राव एक नए चेहरे के तौर पर देखी जा रही है, राविंद्रजीत सिंह की बेटी है, अटेली से चुनावी मैदान में उतर रही है, लेकिन अहिरवाल क्षेत्र के अंदर जो है वो अपने आप में एक छत्र नेता के तौर पर अभी भी अगर हम बात करें राविंद्रजीत सिंह को देखा जाता है, और उनकी बेटी को चुनावी मैदान में उतरने को लेकर के समर्थकों की बहुत पहले से जो मांग है वो देखने के लिए मिली थी, और उनका जहां भविष्य जो है यहां पर शुरू होता हुआ नजर आएगा राजनीतिक तौर पर, चुनावी राजनीति के तौर पर, तो वहीं अनिल विज को भी अपने आगे का जो इतिहास है वो किस प्रकार से वो बना पाते हैं, ये अपने आप में एक चुनौती जो है यहाँ पर जरूर रहने वाली है, क्योंकि सामने जिस तरीके से चुनावी मैदान के अंदर ये देखना होगा कि कौन से प्रतिद्वंदी से बड़ी टक्कर जो है वो मानते हैं। इससे पहले के चुनाव के अंदर अगर हम बात करें तो चित्रा सरवारा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक अच्छी जो टक्कर है यहाँ पर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो जीत नहीं पाई थी। अनिल विज की लोगों के बीच में जो पैठ है वो इस प्रकार की देखने के लिए मिली थी, और अभी भी भले ही वो मंत्री ना हो लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है, लोगों के बीच में जो संवाद है, उनके बीच में रह करके उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करने का को लेकर के जो उनकी एक सोच है उसको ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि अनिल विज के साथ इस बार जनता किस प्रकार से अपना जो रुख है वो रखती है। और ये नामांकन के जरिए अगर हम बात करें, ना सिर्फ अनिल विज ही बल्कि सभी प्रत्याशी अपना एक शक्ति प्रदर्शन जो है इस मौके पर जरूर करते हैं, चाहे वो चुनावी जनसभा के तौर पर हो, रोड शो के तौर पर हो, और वही तस्वीरें जो है लगभग आज और कल, क्योंकि 12 तारीख अंतिम दिन है नामांकन का, दोनों दिन इस प्रकार की तस्वीरें सभी जगह से देखने के लिए मिलने वाली है। जितेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक हम लेने जा रहे हैं, उसके बाद जल्द लौटेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी की हम बात करेंगे खबर की तह तक में। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए खबरें अभी तक के साथ। सही फैसला तो कुछ सालों पहले आपने लिया था, मुझे सही जगह पढ़ने भेजकर, भूल गए? सवाल 4 साल का नहीं, पूरी जिंदगी का है। This is NAC A++ opportunity. Maharshi Markandeshwar Deemed to be University, Molana Ambala. लेवल सबके निकलेंगे। यू बोलकर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया और उन मेहनत करी, जिब्बे तक जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियाँ, और वह भी नॉन स्टॉप, जिब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। नॉन स्टॉप विकास, बीजेपी पर विश्वास।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कांग्रेस के कई प्रत्याशी भी आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि बीजेपी के कौन कौन से उम्मीदवार आज नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन कांग्रेस में अगर कोई बड़ा चेहरा हरियाणा में तो वो भूपेंद्र हुड्डा भी है। आज वो खुद नॉमिनेशन अपना दाखिल करने वाले हैं। गढ़ी सांपला किलोई से एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर गए हैं भूपेंद्र हुड्डा। नामांकन से पहले एक बड़ी जनसभा भी है उनकी। जुलाना से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं विनेश फोगाट, आप जानते हैं इनके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया उन्होंने, लेकिन अब राजनीतिक मैदान में भी वो अपनी किस्मत को आजमाना चाहती हैं। अब यहाँ पर जीत मिलेगी, विरोधियों को चित करेंगे या फिर खुद ही इनको नुकसान उठाना पड़ेगा, तो वक्त बताएगा। विनेश फोगाट के सामने कुछ चुनौतियां जरूर हैं। नामांकन में दीपेंद्र हुड्डा शामिल होंगे। कालका से कांग्रेस प्रत्याशी भी आज नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदीप चौधरी की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही आज का दिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रत्याशियों के लिए बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे थे, गढ़ी सांपला किलोई की बात कर रहे थे, आज किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है नॉमिनेशन से पहले भी और नॉमिनेशन के दौरान भी? देखिए बिल्कुल, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर है भूपेंद्र हुड्डा, और इस वक्त अगर हम बात करें तो जो तमाम विपक्षी पार्टी है कांग्रेस में जो है वो सीधे तौर पर भूपेंद्र हुड्डा को टारगेट जो है वो किया जाता है, क्योंकि 10 साल सत्ता में वो रहे हैं और अब मौजूदा स्थिति में भी उनकी एक गहरी पकड़ और जिस तरीके से टिकट वितरण हुआ है उस बात को ध्यान में रखते हुए भी जो विरोधी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार भूपेंद्र हुड्डा पर अपना वार करते हैं। तो ये उनकी एक एक, एक और जहां सीनियरिटी को भी बताता है, तो वहीं किस तरीके से जो विरोधी है वो अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं इस बात को भी दर्शाने का काम यहाँ पर जरूर करता है। भूपेंद्र हुड्डा आज नामांकन करने जा रहे हैं, लाजमी सी बात है, चुनावी रैली तो यहाँ पर रहेगी ही, इसके अलावा रोड शो के जरिए किस तरीके से जो है ये नामांकन रहने वाला है इसकी तस्वीरें भी हम अपने तमाम दर्शकों को दिखाने का काम यहाँ पर करेंगे। और इस नामांकन के जरिए जैसा कि हमने बताया कि जहाँ तमाम जो उम्मीदवार हैं वो ये प्रयास करते हैं कि एक शक्ति प्रदर्शन, एक माहौल जो है वो नामांकन के जरिए दर्शाने की कोशिश की जाए, क्योंकि उसमें खासतौर से जो लोग हैं, जो जिले के जो लोग हैं उन लोगों की भागीदारी जो है वो पूरे तौर पर रहती है और वो चुनावी जो फिजा है उसे बनाने का काम यहाँ पर करते हुए नजर आती है। और इसी कड़ी में भूपेंद्र हुड्डा का भी ये नामांकन रहने वाला है, जिसके अंदर की जो तस्वीरें हैं वो इस बात को दर्शाने वाली है कि किस तरीके से उनका जो ये नामांकन है, उनके साथ जो जन समर्थन है वो किस प्रकार से रहने वाला है। इससे पहले के चुनाव में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वोटों से 2019 में भूपेंद्र हुड्डा जीत करके आए थे, 58,000 के करीब का जो मार्जिन है भूपेंद्र हुड्डा के पास था। इस बार ये देखना होगा कि किस तरीके से जो उनके पक्ष में जो लोग हैं वो रहते हैं और कितना मार्जिन रहता है, नहीं रहता है, किस तरीके से उन्हें जीत मिलती है, नहीं मिलती है, ये तमाम चीजें जो है वो देखने वाली रहने वाली है। और इस पर अगर हम बात करें, आज का जो दिन है वो उनके नॉमिनेशन का दिन है, जिसमें आज भी जो लोगों की जो संख्या है अमूमन हर नॉमिनेशन के अंदर इसे एक आधार के तौर पर देखा जाता है, और भूपेंद्र हुड्डा के मामले में भी अगर हम बात करें ये देखना होगा कि किस तरीके से जनसमूह जो है उनकी चुनावी रैली के अंदर उनके साथ नॉमिनेशन के समय दिखाई देने वाला है। शुक्रिया इस खबर पर भी जानकारी देने के लिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर भी हम नजर डालते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि आज हरियाणा कैबिनेट की बैठक हो सकती है, विधानसभा भंग करने की भी सिफारिश की जा सकती है। विधानसभा भंग होने पर राष्ट्रपति शासन फिर लग जाएगा। विधानसभा भंग होने के बाद प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होगा। विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी तो नई सरकार अपना काम शुरू करेगी और ये अक्टूबर महीने में होगा, आप ये जानते हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये क्या प्रक्रिया रहती है दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए चुनाव से पहले? देखिए बिल्कुल कमल, दरअसल क्या, दरअसल जो नायब सैनी सरकार की के जो 6 महीने हैं वो 12 तारीख रात को हो जाएंगे, यानी कि 12 और 13 तारीख की जो रात होगी उस दिन 6 महीने हो जाएंगे, यानी कि कल। और अगर हम बात करें 6 महीने के अंदर संविधान के नियम अनुसार एक विधानसभा का जो सेशन है वो बुलाना अनिवार्य होता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो ऐसी स्थिति में जो गवर्नर है वो राष्ट्रपति शासन को लेकर के रिकमेंडेशन
कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसके अलावा सरकार के पास जो विकल्प है वो सरकार को भंग करने को लेकर के है या फिर सेशन बुलाने को लेकर के है। आज अभी तक अगर हम बात करें कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसको लेकर के जारी नहीं हुआ है। कुछ सरकार से जुड़े पुख्ता जो सूत्र हैं वो इस बात को जरूर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की उपलब्धता के अनुसार जो कैबिनेट की बैठक है आज देर शाम तक बुलाई जा सकती है। इस बैठक के अंदर या तो विधानसभा भंग करने या फिर एक सेशन बुलाने को लेकर के फैसला किया जा सकता है। सेशन बुलाना अगर मौजूदा स्थिति में हम बात करें जहां चुनावी समर अपने पीक पर है उसको किस तरीके से कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो ठीक मानते हैं नहीं मानते हैं या फिर जो विधानसभा भंग करने का जो ऑप्शन है ऐसी स्थिति में कैबिनेट स्वयं जो विधानसभा है उसे भंग करने का फैसला कर सकती है और केयर टेकिंग गवर्नमेंट के तौर पर उसे देखा जाएगा। यानी जो राष्ट्रपति शासन की जो स्थिति 12-13 तारीख की रात के बाद जो पैदा होगी वो नहीं होगी और विधानसभा भंग करने के बाद मौजूदा जो सरकार है वो केयर टेकिंग गवर्नमेंट के तौर पर देखी जाएगी जब तक नई सरकार का गठन। ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है पहुंचाई है दर्शकों तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे जुड़ते रहेंगे दिन भर हम क्योंकि अपडेट हमें लेनी है हमारी टीम से हरियाणा इलेक्शन को लेकर। लेकिन अब बात करेंगे हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड में मॉनसून सीजन की बारिश कम होने के बाद अब डेंगू मलेरिया जैसे मच्छर अब रोग फैला रहे हैं। जी हां, खतरा बढ़ गया है। जिले में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि इसके लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अपनी टीमों के माध्यम से घर घर जाकर जागरूकता के साथ लार्वा नष्ट करने का काम कर रहे हैं। वहीं डीएम देहरादून सविन बंसल ने कहा कि डेंगू के प्रभावी रोकथाम के और निवारण के लिए जो घर घर टीमें जा रही हैं उसमें स्वास्थ्य और नगर निगम की टीम शामिल है और अब दोनों नगर निगम और स्वास्थ्य के साथ ज्वाइंट मीटिंग भी रखी जाएगी जिसमें उनकी डेंगू चिकनगुनिया की रोकथाम को लेकर जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा भी की जाएगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नासिर हुसैन ज्यादा जानकारी के लिए। नासिर, अब डर सताता है और पिछले कुछ सालों के आंकड़े और भी ज्यादा भय पैदा कर देते हैं। ऐसे में तैयारियां प्रशासन की क्या है, लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्योंकि जब बीमारी बढ़ जाती है फिर चिंताएं बढ़ती हैं और फिर कमियां खामियां नजर आती हैं। उससे बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरह से इस बार सतर्क आपको नजर आता है समय से पहले? मानसून खत्म होने की तरफ जा रहा है वैसे ही कई बीमारियां फैलती हैं मौसम में। मानसून खत्म होने के बाद बहुत सारे मच्छर मक्खियां पैदा हो जाते हैं जिसके बाद उनका खतरा बढ़ जाता है, खासतौर पर चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मानसून खत्म होने के बाद अब चूंकि इस तरह की बीमारियां ना फैले इसको लेकर के स्वास्थ्य तैयारियां कर रहा था और साथ ही साथ नगर निगम और जो जिला प्रशासन की टीम है वो भी तैयारियां कर रही थी। और चूंकि सबसे ज्यादा जो खतरा पैदा होता है वो चिकनगुनिया और डेंगू के जो मरीज आते देखने को मिलते हैं उसका खतरा पैदा होता है, इसलिए डेंगू का लार्वा पैदा ना हो जहां जहां डेंगू का लार्वा पाया जाता है वहां पर नष्ट करने का काम स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम ने शुरू कर दिया है। तो दोनों ही टीमें लगातार कामकाज कर रही है, दोनों टीमों के साथ ये देखा जा रहा है कि किन किन इलाकों में ज्यादातर मरीज देखने को मिल रहे हैं। पिछले सालों के जो आंकड़े हैं उनको भी देखा जा रहा है, ऐसे में उन जगहों पर जो नगर निगम की टीम है स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो जो डेंगू का लार्वा है उसको सर्च कर रही है, देख रही है कहाँ कहाँ पर डेंगू का लार्वा है उसको नष्ट करने का काम किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में और ज्यादा डेंगू के मरीज न बढ़े। क्योंकि अभी तक करीब 7 मरीज दर्ज किए जा चुके हैं और इससे पहले भी मरीज आए थे, हालांकि वो ठीक हो गए लेकिन जो मरीज मिले हैं उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में और ज्यादा संख्या ना बढ़े इसको लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है और इसी को लेकर जो अधिकारियों की मीटिंग है वो बुलाई गई है। तमाम अधिकारियों का ज्वाइंट मीटिंग करने के बाद निर्देश किए हैं जहाँ पर डेंगू है वहां पर उसको पहले से ही कार्रवाई की जाए। जो बातें कही जा रही है प्रशासन की तरफ से अब ये धरातल पर उतरती दिखाई देती हैं, तो हो सकता है इन बीमारियों से जल्द निपटा जाए लेकिन मुश्किलात बढ़ सकती हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आम आदमियों को खुद सतर्क रहना होगा, जागरूक रहना होगा। खबर की तह तक में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।